हेलो, दिस इज़ डे टू। अभी टाइम हो रहा है 11:10। गर्मी बहुत है और मैं जा रहा हूँ अभी स्कूटी रेंट करने। वैसे प्लान ये था कि हम एक ही दिन वर्कुड़ा रुकेंगे, लेकिन जगह इतनी अच्छी लगी कि हम आज भी यहाँ रुक रहे हैं और कल यहाँ से निकलेंगे हम कन्याकुमारी होते हुए सीधा रामेश्वरम। तो अभी देखते हैं कितने की यहाँ स्कूटी वगैरह मिलेगी, तो आपको आके बताते। बाकी दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा किस तरह का ये है। किसी ने बताया यहाँ क्लिफ पे मिलेगी स्कूटी, तो क्लिफ पे जा रहे हैं। क्लिफ बेसिकली एक जैसे मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे एक बड़ी सी पार्किंग है, तो शायद वहीं मिलेगी स्कूटी। बाकी मैं एरिया दिखाता हूँ आपको। इस तरह घर बने हुए हैं, बिल्कुल गोवा जैसी वाइब है। और यहाँ आयुर्वेदिक सेंटर है बहुत सारे, तो लोग अपने ट्रीटमेंट्स के लिए भी यहाँ आते हैं। योगा वगैरह का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये सेकंड बीच है यहाँ पे, तो शाम को जाएंगे हम लोग। काफ़ी बड़ा बीच है। स्कूटी तो अरेंज हो गई है, 1 बजे तक कह रहे थे आएगी। 1:05 हो रहा है, देखते हैं। तो अभी हम स्कूटी ले ली हमारी और निकल गए फोर्ट के लिए। 350 रुपये में स्कूटी मिली एक दिन के लिए। इनफैक्ट हम तो रात को ही दे देंगे, क्योंकि उस समय हमें जल्दी निकलना है। यहाँ पर ट्रेन है हमारी ट्रिवेंड्रम के लिए, और वहाँ से फिर हम जाएंगे कन्याकुमारी। फोर्ट है, इसका नाम बताता हूँ मैं आपको। वैसे यहाँ कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, और एक्सप्रेस की स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। ये पढ़ने में आ नहीं रहा है, वैसे पता नहीं कैमरे में कैसे आएगा इसके बारे में। जेंगो किला, एनजेंगो फोर्ट है ये। तो ये फोर्ट की एंट्रेंस है यहाँ से। ऊपर स्टेयर्स हैं फोर्ट पे जाने के लिए। अभी ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। सामने लाइट हाउस है ये, और ये इसीलिए बनाया गया था या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, कि यहाँ से ये अपना एक्सपोर्ट कर सके इंडिया से, या कुछ इंडिया में सामान मंगा सके, क्योंकि समंदर के किनारे है ये। बिल्कुल ये फोर्ट के साथ है, समंदर है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं देखने दिखाने के लिए, बट ठीक है। कल आए तो हम देख सकते हैं, क्योंकि दिन में बीच पे जाना वैसे बहुत गर्मी वाला काम। गर्मी यहाँ भी बहुत है, तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से और सामने लाइट हाउस देखेंगे। तो यहाँ से हम निकल के सीधा आ गए इडावा बीच। वैसे देखा जाए तो जहाँ हम रुके थे वहाँ से करीब 5 किलोमीटर ही था इडावा बीच, बट हम अपोजिट साइड में गए थे फोर्ट देखने। बहुत ही सुंदर बीच था, और ये सामने जो है ये बैक वाटर है, और इसका राइट साइड में पूरा बीच है, और ये सी है, और यही पूरा हमारे होटल के शो किनारे तक जाता है। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces,
all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. Sunset ho raha hai aur aaj hum apne infinity pool banayenge. I want more energy, please. Come on, you are having food right over here. Let me have more nice claps. Sir, what about you? You're enjoying the song, right? So please give him a big clap and support. That's good. सॉन्ग आप लोग सब समझ ही गए होंगे मैंने कौन सा गाया है, और कॉपीराइट की वजह से पूरा यूट्यूब पे गा नहीं सकते हैं. तो बाकी ये पूरा सॉन्ग मैंने गाया था. सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते. Please give a big clap actually, because he did a great effort actually for his wife and for each and every one of you. Please give a big clap actually.